दोस्तों, आपने हमारे YouTube चैनल पर पहले भी कई सारे WWE रेसलर्स की लाइफस्टाइल के बारे में जाना है। रेसलर्स की लाइफस्टाइल के बारे में जानने की आप लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए आज हम द डेड मैन अंडरटेकर के सौतेले भाई केन, जो खुद भी WWE के फेमस रेसलर हैं, उनके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, केन WWE के ताकतवर खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। इतना ही नहीं, केन अपनी रेसलिंग की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें आप जानेंगे कि किस तरह केन ने WWE में अपना सफर तय किया, साथ ही साथ उनकी लाइफस्टाइल की जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए जानते हैं केन की जिंदगी के बारे में और करते हैं इस वीडियो को शुरू। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका सेलेब्स फॉर स्टाइल में। केन का असली नाम ग्लेन थॉमस जैकब्स है। केन एक अमेरिकन पॉलिटिशियन, एक्टर, ऑथर, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल रेसलर हैं। इतनी सारी खूबियां होने के बाद भी ग्लेन थॉमस जैकब्स सबसे ज्यादा मशहूर WWE में अपने कैरेक्टर केन के लिए हैं। केन का जन्म 26 अप्रैल 1967 को स्पेन के टोरेजॉन डे एरडोज में हुआ था। केन ने अपनी पढ़ाई बॉलिंग ग्रीन मिजोरी स्कूल से शुरू की। अपने स्कूल के दिनों में केन बास्केटबॉल और फुटबॉल में काफी माहिर थे, लेकिन रेसलिंग परिवार से होने की वजह से उनमें पहलवानी का कीड़ा भी पहले से ही था। इसलिए केन ने भी अपना करियर रेसलिंग में बनाने का निश्चय किया और WWE की तरफ अपना रुख किया। WWE में केन का सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन अपने जज्बे से केन ने WWE में ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि WWE के फेमस रेसलर बनकर भी उभरे। WWE के रिंग में केन और भी कई निकनेम जैसे एंगस किंग, ब्रूजर मैस्टिनो, क्रिसमस क्रिएचर डीजल, डूम्सडे, मेयर ग्लेन जैकब्स, ईसाक येंकेम और DDS के नाम से भी जाने जाते हैं। WWE की रिंग में केन अपने अजीबो गरीब किरदार के लिए भी जाने जाते हैं। इनके किरदार काफी भयानक होते हैं। इनके रेसलिंग करियर की बात करें तो केन ने अपनी प्रोफेशनल रेसलिंग की शुरुआत साल 1992 में की थी। WWF और WWE ज्वाइन होने से पहले इन्होंने स्मोकी माउंटेन रेसलिंग SMW और द यूनाइटेड स्टेट्स रेसलिंग एसोसिएशन USWA में भाग लिया था, जहां उन्होंने SMW टैग टीम चैंपियनशिप AL स्नो के साथ द डायनामिक डीओ टीम बनाकर जीती। USWA में रहते हुए उन्होंने USWA हैवीवेट चैंपियनशिप भी जीती। साल 1993 में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग में केन हार गए थे। साल 1995 में केन वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन WWF, जिसे आज WWE के नाम से जाना जाता है, का हिस्सा बने। 1997 से पहले केन ने कई अलग अलग नामों और कैरेक्टर्स के साथ WWE की रिंग में मैच खेले थे। WWE की रिंग में केन को असली पहचान तब मिलना शुरू हुई जब वो अपने सौतेले भाई रेसलर दी अंडरटेकर के साथ द ब्रदर्स ऑफ डेस्ट्रक्शन नाम की टीम बनाकर मैच खेल रहे थे। इस टीम में उन्होंने अपना नाम और कैरेक्टर केन का ही रखा था। तब से वो लोगों के बीच काफी मशहूर हो गए। इनकी अचीवमेंट्स और अवार्ड्स की बात करें तो केन ने अपने रेसलिंग करियर के दौरान कई सारे मैच खेले हैं और कई सारे मैचों में जीत दर्ज की है। केन 3 बार वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीत चुके हैं। केन 12 बार वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं। केन 2 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बने थे। वो WWE ग्रैंड स्लैम के तीसरे विजेता रहे हैं। 16 सितंबर 2019 में इन्होंने 24/7 चैंपियनशिप का टाइटल भी जीता था। रेसलिंग के अलावा केन ने फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी नाम कमाया है। उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है। कुछ पॉपुलर फिल्में जैसे 2006 की WWE स्टूडियोज प्रोडक्शन द्वारा बनाई गई फिल्म सीनो एविल और इट्स 2014 सीक्वल में इन्होंने मेन रोल निभाया था। इतने पॉपुलर रेसलर होने की वजह से केन की लाइफस्टाइल भी काफी लेविश है। केन के पास खूब सारा पैसा है, जिसे वो अपने और अपने परिवार के ऊपर बड़ी शान से खर्च करते हैं। केन के पास ना सिर्फ बड़ा और शानदार घर है, बल्कि उनके पास एक से बढ़कर एक चमचमाती गाड़ियां भी हैं, जिसका छोटा सा नमूना आपको आगे देखने को मिलेगा। आते हैं उस पे भी। हाउस। केन का घर एक पॉश एरिया में है। उनका ये खूबसूरत सा मेंशन काफी दूर तक फैला हुआ है। केन का घर देखने में बाहर से जितना बड़ा और विशाल लगता है, अंदर से और भी ज्यादा खूबसूरत है। इस घर में कई सारे कमरे हैं और बड़े बड़े बाथरूम भी हैं। इस घर में ना सिर्फ स्विमिंग पूल है बल्कि एक बड़ा सा जिम और पार्टी हॉल भी है। कार्स। WWE के महान खिलाड़ी रेसलर केन के पास भी गाड़ियों का काफी अच्छा कलेक्शन है। केन के गैराज में आप इन गाड़ियों को देख सकते हैं। फैमिली। केन के पिता का नाम पॉल बियरर है। केन ने 23 अगस्त 1995 को क्रिस्टल मोरिसा से शादी की थी। केन और क्रिस्टल की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम एरिस्टा और डेवन है। इन दोनों के 2 ग्रैंड चिल्ड्रंस भी हैं।
केन का परिवार छोटा लेकिन काफी सुखद परिवार है। इनकी इनकम की बात करें तो WWE के इस पॉपुलर खिलाड़ी की इनकम 7 करोड़ रुपए है। केन ना सिर्फ WWE की रिंग में मैच खेलकर पैसे कमाते हैं बल्कि इनकी इनकम अन्य सोर्सेस से भी आती है। ब्रांड एम्बेसडिंग और इन्वेस्टमेंट से भी इनके पास पैसे आते हैं। केन की संपत्ति की बात करें तो साल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक केन की संपत्ति लगभग 70 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और नीचे कमेंट करके ये भी बताइए कि आप और किस रेसलर पर वीडियो देखना चाहते हैं। हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। इसी के साथ अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। ऐसे ही प्यार देते रहिए सेलेब्स फॉर स्टाइल को। शुक्रिया।